जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेता दौरे पर दौरा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के अलायंस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने आरक्षण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी बेबाकी से मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बेरोजगारी के लिए देश की बढ़ती जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, मैं इस पर इतना स्पष्ट बता दूं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार के अवसर उस हिसाब से थोड़े से कम होते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि हमारी सरकार उन चीजों को, अवसरों को और बेहतर करके, नई चीज ला करके, स्किल डेवलप करके उनका, हम उनको रोजगार के अवसर देने का प्रयास कर। वहीं आशीष पटेल से जब पत्रकारों ने आरक्षण से छेड़छाड़ और संविधान बदलने वाले दावों पर सवाल पूछा तो उन्होंने बीजेपी को खुली धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि आरक्षण बदला तो सबसे पहले एनडीए से अपना दल अलग होगा। देखिए, मेरा बड़ा इस पे स्पष्ट मत है, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय विशेष रूप से आरक्षण का जो विषय है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार उस पर काम किया और हमारी नेता ने, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नीट का आरक्षण हो, जो भी विषय उठाया है उसको उन्होंने पिछड़ों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते उस पर त्वरित निर्णय किया है। और मैं आपको एक और विषय बता रहा हूँ, जिस भी दिन किसी भी सरकार में आरक्षण के प्रति किसी प्रकार का खिलवाड़ होगा तो उसको सरकार को छोड़ के जाने वाली पहली पार्टी अपना दल होगी। आरक्षण से कोई समझौता फिलहाल अपना दल नहीं करेगा। वहीं इंडिया गठबंधन पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन बेमेल गठबंधन है, आत्मविश्वास हिल चुका है, बार बार प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं, विपक्षी दल हार मान चुके हैं क्योंकि यूपी में 80 की 80 सीटें एनडीए जीतेगी। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, बेमेल गठबंधन है, आत्मविश्वास हिल चुका है, प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे विषयों पर मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का आपस में, इनका जो गठबंधन है उसमें आपस में भी कोई विश्वास बचा है। 80 की 80 सीटें जीत, यूपी में एनडीए 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।